जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में जो हाल है, बेरोज़गारी का जो है चरम बढ़ते जा रहा है, उसको हमेशा से ध्यान में रखकर हम लोगों की कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं 10वीं 12वीं पास या फेल ग्रेजुएट, इन लोगों को बेहतर से बेहतर नौकरी मिले। क्योंकि हम लोग शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, मुंबरा तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर होता है, तो कई बार हमारे मुंबरा के बच्चे जो होते हैं वो इतना कॉन्फिडेंट हासिल नहीं कर पाते कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाकर इंटरव्यू दे, और कई बार इंटरव्यूज़ देने के लिए भी बहुत खर्चा हो जाता है उन्हें। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जॉब फेयर लगाए और इन जॉब फेयर के ज़रिए एक साथ में एक ही हॉल या एक छत के नीचे तकरीबन 25-30 कंपनियां आए। जैसे आज हमारे बीच में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी है, वर्लपूल कंपनी है, विप्रो है, टाटा है, ICICI बैंक आपके सामने है, कोटक बैंक है, इनके HRs को हम लोग इन्वाइट करते हैं और वो एक साथ में एक स्टेज के नीचे आते हैं, एक साथ में एक टेबल के अंदर, एक हॉल के अंदर आते हैं, और फिर सारे बच्चे जो मुंबरा के होते हैं वो यहाँ पर आकर इंटरव्यू देते हैं। तो एक ही दिन में तकरीबन 15 से 20 कंपनीज को इंटरव्यू देना या उनके बायोडाटा शेयर करना, ये एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मकसद होता है। और हम लोग कोशिश करते रहेंगे, हमारी पूरी टीम पढ़े लिखे लोगों की, जैसे मोहम्मद शेख हमारे BCom ग्रेजुएट है, फिरोज़ भाई हमारे हैं जो हमेशा मुंबरा वॉइस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, हाफिज़ सुहेल है साथ में, दीपक गेलके है BMM ग्रेजुएट है माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे लोगों की हमेशा से ये मेहनत होती है कि जैसे जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, उसी अंदाज से मुंबरा के सारे बच्चे, भले वो गरीब लड़का हो या लड़की हो या अच्छे सेटल हो, उनको बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, बस हमारा यही मकसद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम है वो मून स्टार ग्लोबल स्कूल, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पूरा के पूरा स्पॉन्सर उन्होंने किया। जब ये कंसेप्ट हमने उन्हें बताया तो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने ये पूरा इवेंट स्पॉन्सर किया है। तो मून स्टार के साथ साथ जितनी भी कंपनीज आई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा है, अगर 10वीं फेल बच्चा हो या कम पढ़ा लिखा हो, तो अगर उसके पास काम नहीं होगा तो वो नशे की तरफ चला जाएगा या जुआ वगैरह खेलने लगेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसल्टेंसीज है। हमारे शहर की एक है उम्मीद फाउंडेशन, काफ़ी फेमस NGO है, उन्होंने भी ऐसे बच्चों को नौकरी दिलाने की कोशिश शुरू की है, हमने उन्हें भी इनवाइट किया है, उन्होंने भी अपना टेबल लगाया है। हमने हमारे मार्केटिंग में भी कहा कि भाई खासकर वैसे बच्चे जो 10वीं 12वीं फेल है या पढ़े कम है, वो लोग आ सकते हैं, इनको छोटी सी ट्रेनिंग अगर दे दें हम, तो वो ट्रेनिंग के साथ में वो सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब कर सकते हैं, मॉल्स में सेल्स करना या कहीं इवेंट में प्रमोशन करना, पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत बेसिक काम होते हैं जिससे वो 10 से 15,000 रुपये महीने की नौकरी कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह उन्हें आगे अपॉर्चुनिटी मिली तो वो आगे और तरक्की हासिल कर सकते हैं। कितने बच्चे आए हैं अब तक के? क्योंकि आज आपने ऊपर एनरोलमेंट हो चुके हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे साफ नज़र आता है इब्राहिम भाई कि कौसा और मुंबरा शहर में रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है। लोग यहाँ पर नौकरी तलाश करने के लिए आज के दिन जैसे भी आप देख नज़र दौड़ा सकते हैं, देख सकते हैं तकरीबन 100 लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो अभी 11 बज रहा है और 11 बजे के दरमियान में ये लोग आ चुके हैं। अभी 2 घंटा 2.5 घंटा प्रोग्राम और चलना है, तो इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 400 से 450 लोग आज जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे। बेसिकली पहले तो मैं सादिका एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट और स्पेशली मून स्टार को मैं थैंक्स कहूँगा, और इसके लिए ऑर्गेनाइज़ करने वाले स्पेशली टीम हसन मुलानी, फिरोज़ जो बहुत मेरे अजीज़ दोस्तों में से हैं, माशाल्लाह ये कई सालों से इस बात की कोशिश है कि मुंबरा में जितने भी बच्चे जो प्लेसमेंट के लिए बड़े परेशान हैं, जॉब्स के लिए परेशान हैं, उनकी तलाश में रहते हैं, और इनका मकसद ही हमेशा ये रहा कि किसी तरह से इनको जॉब मिल जाए। उसी में से एक पार्ट जो है उम्मीद फाउंडेशन का भी है, जो इन्हीं की वजह से माशाल्लाह आज हम लोग ने स्टॉल लगा पाए, एक नया सेल हमने स्टार्ट किया। हमारा सबसे बड़ा फोकस मुंबरा में स्पेशली जो 10th भी बच्चे पास नहीं है, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 12th भी नहीं कर पाते हैं, और यही सही बच्चे जो ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं क्योंकि पढ़े लिखे ना होने की वजह से इनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिलती। और फिरोज़ और हमारा हसन का यही मानना है कि ऐसे ही बच्चे जो है वो मंशियात की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं और वो अपने आप को ये कोसते हैं कि भाई हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए स्पेशली हमने ये सेल बनाया है जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको पहुँचाए, उनको ट्रेनिंग कैसे करें, और यही मकसद से माशाल्लाह ये हमारा सेल स्टार्ट हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ी कंपनी L&T है जो बाकायदा ट्रेनिंग के साथ साथ 12,000 रुपये सैलरी देती है, ऐसी और बहुत सारी कंपनीज है जो आज हमारे साथ टाइप है। तो इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम लोगों को ये अपील करता हूँ मुंबरा की कि ज़्यादातर जो भी बच्चे इस किस्म के ड्रॉप आउट हो, जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, उनको उम्मीद फाउंडेशन के दफ्तर पे आप रवाना करें, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी तरह से उनको लिमिट नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमने तकरीबन 150 बच्चों को प्लेसमेंट दिया, और अभी भी ये बिल्कुल कोशिश है कि
इसमें बहुत सारे स्किल्ड है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, वो ऑन ट्रेनिंग में भी उनको तनख्वाहें मिलती है, बाकायदा रहना खाना बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है। और यही बच्चे अगर अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं तो ये इंडिया नहीं बाकायदा बाहर सऊदी दुबई में भी, इनके जितने भी प्रोजेक्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते हैं वहाँ पर ये अपनी जो है प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था इसके पहले के जॉब फेयर में कि इस पर मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत है, और जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को अलग अलग मल्टीपल कंपनीज में प्लेसमेंट देना, इसको जहाँ जॉब सेक्टर्स जो भी है कि मुमरा में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, दीवा में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, कलवा में काफ़ी टैलेंट मौजूद है, और यही हमारी एक जो पॉपुलेशन है ये हमारी टारगेट होती है। इस बार भी हमने वही किया है, यहाँ के जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो टेंथ है जिन्होंने कुछ काम किया छोड़ दिया, ट्वेल्थ है, ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसे मल्टीपल कंपनीज़ को लाने में फिर कामयाब रहे हैं यहाँ पर। और अभी ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, ड्रॉपआउट्स के लिए और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी, कि यहाँ पर आके जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद में ये कंपनी मुस्तकिल हमारे टच में होती है, इनके एचआर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो यहाँ से जो है इनके सीवीज़ रेज्यूम हम फॉरवर्ड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो एक जॉब सेल की स्थापना हो चुकी है आप ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर टैलेंट जो है आज जो नहीं आ पाए, हम सब तक तो नहीं पहुँच सकते एक दिन में, तो अब वो लोग हम तक पहुँचेंगे और यहाँ से हम वो टैलेंट को कंपनी में पहुँचाएंगे। ये काम अभी कंटिन्यूसली मुमरा से चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप किसी के भी टच में आ सकते हैं, उम्मीद फाउंडेशन के हसन मुलानी के या मेरे मुमरा वॉइस फाउंडेशन के, या किसी की भी टच में आके आप जो है जॉब सीकर्स को हम तक फॉरवर्ड करें और हम उनको कंपनी तक पहुँचाने का काम करेंगे। उसके अलावा जिनको इंटरव्यूज़ देने में दिक्कत है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है स्पेशली इंग्लिश, या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे पास मौजूद है। तो ऐसे बच्चे जो जॉब सीकर्स इंटरेस्टेड है वो हमारे तक पहुँचे, हम उनको ट्रेन करेंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, ये हमारी कोशिश है। बहुत अहम सवाल पूछा आपने, तो ऐसा देखा गया है कि जो ड्रग एडिक्ट है, जो ऑलरेडी नशे में इन्वॉल्व है, आप देखिए वो स्कूल ड्रॉप आउट होगा या कॉलेज ड्रॉप आउट होगा, आप देखोगे उनका एजुकेशन बर्बाद हो चुका है। तो हम लोग ये पहल कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जो बच्चे और अभी जो पास आउट होकर निकल, उन तक पहुँच के उनको अवेयर करना ताकि वो नशे में ना जाए, तो ये उसकी भी पहल है आप ये कह सकते हो। हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में, ताकि उनमें अवेयरनेस आ जाए और वो नशे की तरफ ना जाए। तो ये एक सोच है, ये एक शुरुआत है हमारी तरफ से, शुरुआत ऐसी है कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएँ तो उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं हम हमारे साथ में, ताकि जो बच्चा जो है डायरेक्ट जॉब में चला जाए, स्कूल कंप्लीट करने या कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो जॉब की तरफ चला जाए।